दोस्तों, आज के समय में नींद ना आना एक बहुत कॉमन सी समस्या है। नॉर्मली 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और डीप वाली नींद होनी चाहिए, तभी वह नॉर्मल स्लीप कहलाती है। जब यह नींद कम हो जाती है या फिर टूट टूट के आती है तो यह इंसोमनिया में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब स्लीपलेसनेस, नींद कम आना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपनी उस परेशानी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं जिन दोस्तों को नींद नहीं आती है। इन दो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं और तुरंत से ले सकते हैं। गहरी नींद आपको इन मेडिसिन से आएगी। साइड इफ़ेक्ट इनका किसी भी तरह का नहीं होगा, ना ही कोई एडिक्शन होगा। तो नींद ना आने के कुछ बड़े बड़े कारण होते हैं, जिनमें से डिप्रेशन होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, शरीर में किसी भाग में दर्द होना जिसकी वजह से नींद ना आना, और लगातार में चिंता रहना, मूड खराब रहना। और जो दोस्त रात में टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनको भी नींद नहीं आती है, या फिर जो रेगुलर में स्मोकिंग या शराब पीते हैं उनको भी इस तरह की परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने दो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है होम्योपैथिक की, जिसमें से सबसे पहली मेडिसिन है पैसिफ्लोरा क्यू, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। तो दोस्तों इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है दिन में 3 बार। आपने जो इसकी बूंदें लेनी है दिन में, आपने इसकी 20-20 बूंदें लेनी है, और रात के समय जैसे आप सपोज़ कीजिए 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो आपने मेडिसिन दोस्तों 9 बजे लेनी है। तो दिन में आपने 20-20 बूंदें लेनी है, बट रात में आपने इसकी लगभग 50 बूंदें लेनी है, 50 ड्रॉप्स लेनी है एक बार में। और यह आपने दोस्तों आधे कप गुनगुने पानी में लेनी है दिन में भी और रात में भी। तरीके से आप इस मेडिसिन को लें, खाना खाने के बाद लें, आपको पहले ही दिन से इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो नींद प्रोड्यूस करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट इसका किसी भी तरह का नहीं है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों, इसमें होम्योपैथी की कालीफॉस 6X, ये एक नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है, नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इससे नींद अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है। इस टैबलेट्स को लेना है दोस्तों, टैबलेट फॉर्म में है। इन टैबलेट्स को आपने लेना है 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार। आप इसको पानी में भी डाल के ले सकते हैं और बिना पानी के भी, खाने से पहले आप ये दवाई लें। तो ये तो हो गई दोस्तों दोनों मेडिसिन। आपने जो मेडिसिन लेनी है लगभग 2 से 3 महीने आप इन मेडिसिन को रेगुलर में लें, और अपना थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। जैसे रात में भारी खाना नहीं खाना, रात में जो आपने टी कॉफ़ी वगैरह इन चीज़ों को नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है तो आप दिन में ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बट शाम के समय आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। इनसे नींद आने में परेशानी होती है और नींद ठीक से नहीं आ पाती है। दूसरा, आपने जब भी सोना है अच्छे से हाथ पैर धो के आपने सोना है, तलवों पे आपने सरसों के तेल की मालिश करनी है अच्छे से रबिंग करके, तो उसके बाद ही आपको रोज़ सोना है। इसको भी आपने रूटीन में ऐड कर लेना है। मोबाइल जब आप सोने के लिए जाएं, जैसे 10 बजे आपका सोने का टाइम है, तो उस टाइम पे आप मोबाइल को भूल जाइए, अदरवाइज़ आप मोबाइल में लगे रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मोबाइल भी एक सबसे बड़ा कारण है नींद ना आने का आज के समय में। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों को करते हैं और रात को हल्का खाना खाना है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये दोनों मेडिसिन लेंगे, आपको पहले ही दिन से इफ़ेक्ट दिखना शुरू होगा और आपको अच्छी खासी गहरी नींद प्रोड्यूस हो जाएगी। 7 से 8 घंटे की आप इसमें से नींद ले सकते हैं। तो जिन दोस्तों को कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना है किसी वीडियो के लिए, किसी टॉपिक के लिए, किसी मेडिसिन के लिए, किसी बीमारी के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। आपके लिए मैं इसी तरह से नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।